दोस्तों इस समय का एक बहुत ही बड़ा न्यूज है। मंडे यानी कि 25 अक्टूबर को सूडान का मिलिट्री ने वहां की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को पूरी तरह से सस्पेंड करके पूरी पावर सीज कर ली है। सूडान की मिलिट्री इस हद तक चला गया है कि दे हैव अरेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट अब्दुल्ला हमदोक। अब देख सकते हैं कि इस घटना के बाद हजारों लोग सड़कों पर आके प्रोटेस्ट कर रहा है। सूडान की मिलिट्री ने उन जनता पर भी फायर ओपन कर दिया है जिसमें दोनों प्रोटेस्टर्स को मौत भी हो गया है। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन किस हद तक जा चुका है। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, चलिए आज इस बारे में आपको पूरी क्लियर जानकारी देते हैं। लेकिन उसके पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द ज्ञान टेल्स फॉर मोर सच एक्साइटिंग यूपीएससी एसएससी सीजीएल करंट अफेयर्स टॉपिक्स एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम द ज्ञान टेल्स। देखिए, इन सभी घटना का स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2019 में, जब सूडानीज आर्मी ने सूडान की डिक्टेटर प्रेसिडेंट ओमर अल बशीर को रिमूव करके गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लेता है नेक्स्ट इलेक्शन होने तक। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ओमर अल बशीर का, तो देखा जाता है कि उनके हाथ में पावर आने लगा है जब सूडान में ऑयल का डिस्कवरी हुआ था इन द लेट 1990s। उनके हाथ में पूरी तरह से पावर आ चुके थे। उसके तुरंत बाद ही उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सस्पेंड कर दिया, इंडिपेंडेंट मीडिया में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिया एंड इस्लामिक लॉ कोड को इंट्रोड्यूस कर दिया। उनकी पीरियड में ही पूरी दुनिया का जिहादिस्ट सूडान में आने लगा था, इंक्लूडिंग द ओसामा बिन लादेन, जिन्होंने सूडान में कैंप भी लगा दिया था। इसके लिए यूएस ने उस टाइम पे सूडान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के लिस्ट में डाल दिया था एंड बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन भी इम्पोज कर दिया था। ईयर 2011, सूडान एंड साउथ सूडान की डिवीजन हो रहा था। तब सूडान का 3/4 ऑफ द ऑयल फील्ड्स यानी कि 75% ऑयल फील्ड्स सूडान अपने हाथ से गवा बैठे, जिस वजह से सूडान को फेस करना पड़ा रैपिड इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। और इसके साथ स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट बशीर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट। हजारों लोगों ने प्रेसिडेंट बशीर की रेसिडेंट के सामने इकट्ठा होने लगा। फिर आया अप्रैल 2019 का वो हिस्टोरिक मोमेंट जब सूडान की आर्मी ने सिचुएशन को कंट्रोल किया एंड प्रेसिडेंट बशीर को प्रेसिडेंटशिप से रिमूव कर दिया। तब मिलिट्री और सिविलियन मूवमेंट एक साथ होके एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की स्थापना किया, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर विल लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स और मिलिट्री वुड एक्ट एज द सोवरेन काउंसिल फॉर 2 years। लेकिन अक्टूबर 25, 2021 को मिलिट्री काउंसिल से सिविलियन लीडरशिप को पावर हैंडओवर करने की सिर्फ कुछ ही हफ्ते पहले मिलिट्री चीफ अब्दुल फतह अल बरहान ने इंटरिम गवर्नमेंट को डिसबैंड कर दिया एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज द न्यू लीडर। इसके साथ उन्होंने पूरी सूडान में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और सभी सिविलियन लीडर्स को अरेस्ट करवा दिया। बशीर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना और एक प्रॉमिस्ड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन सूडान के लिए एक बहुत ही बड़ा होप था, डिकेड लॉन्ग इंटरनेशनल आइसोलेशन से रिलीफ पाने के लिए। लास्ट ईयर यूएस ने सूडान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट से भी रिमूव कर दिया था और इकोनॉमिक एड का अनाउंस भी कर दिया था। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड $50 बिलियन की डेट फ्री रिलीफ एग्रीमेंट भी साइन कर दिया था। लेकिन इन सभी आशा की किरणों में पानी डाल के सूडानीज मिलिट्री फिर से सूडान को एक लॉन्ग टर्म वायलेंस अनरेस्ट एंड इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ ढकेल दिया। दोस्तों आशा करते हैं कि सूडान में फिर से धीरे धीरे नॉर्मलसी एस्टेब्लिश हो एंड सूडान एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर के आए। थैंक यू ऑल, टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच डिटेल्ड वीडियोज।